पहले तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिला ओपन करने का पंजाब के क्राउड के सामने और मोहाली में। यहाँ पे मुझे खेल के वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मेरे लिए ये बहुत लकी ग्राउंड है। और धवन पाजी के साथ ओपन करना ऑब्वियसली बहुत मतलब अच्छी बात है मेरे लिए भी, और जैसे हम उनको देख के बड़े हुए हैं तो उनके साथ ओपन करने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और यही कोशिश करूँगा। जैसे अभी एक ही मैच हुआ, आगे भी जब मौका मिलेगा तो अच्छा ही करना है। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा नर्वस हूँ, बट जब मैं एक बार अंदर गया, पहली बॉल खेला, मिडल हुई, उसके बाद सब नॉर्मल लगा। फिर उसके बाद स्टार्ट भी कुछ ऐसा मिला कि पहले ओवर में चौका छक्का ऐसे चल रहा था, तो मतलब बहुत अच्छा, मज़ा भी बहुत आ रहा था। ये चाहता था कि थोड़ा लंबा खेलता, बट अच्छा स्टार्ट मिला और टीम के लिए जो भी हुआ वो बेटर ही हुआ। पहले कोविड के टाइम पे क्या होता था, क्राउड नहीं आता था, और मेरे को लगता है कि ये 3 साल 4 साल बाद क्राउड आया और हमारा पंजाब का जो क्राउड था बहुत था इस बारी। हमें अगर देखना है कि ये टूर्नामेंट हमें जीतना है तो हम एक पाथ पे चलते रहें, अच्छा खेलते रहें, यही कोशिश करते रहेंगे कि जितने ज़्यादा मैचेस हम जीतें और क्वालिफाई हुए, और ज़्यादा सोचता नहीं। हाँ ये है कि जब अच्छा स्टार्ट मिल जाए यही कोशिश करूँगा कि उसको और लंबा लेके जाऊँ, जो मेरी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा गॉड बिलीवर हूँ, तो मतलब ऐसा कोई मेरा ये नहीं है कि सुपरस्टिशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मतलब मेरे दिमाग में जो भी होता है, जैसे ये भी नहीं होता मुझे कि कौन सा बैट लेके जाना, मेरे को ये होता है जिससे अच्छा चल रहा है उससे खेल लो, जो मतलब उस टाइम पे अच्छा फील हो रहा हो वही बैट ले जाओ। नेट्स में ऐसा माइंडसेट तो ऐसे होता है कि अगर आपको पता होता है कि आपने मैच खेलना, तो यही होता है कि मैच की तरह सिचुएशन क्रिएट करके खेला जाए। हाँ जब आप ये सोचते हो कि आप नेट में जा रहे हो, हमारा मैच है, मैच की तरह खेलना, तो फिर यही होता है दिमाग में कि कम रिस्क के साथ ज़्यादा रन कैसे बन सकते हैं। मेरे को मेरा फेवरेट शॉट कट और पुल ही है, मतलब जब ये खेलता हूँ तो मुझे सच्ची बड़ा सुकून मिलता है। अगर होम मैच हो, अवे मैच हो, फैंस तो हमारे पंजाब के जो भी हैं वो हमें सपोर्ट करेंगी, और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें सपोर्ट करते रहें।